अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एट क्लास से क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है 14y-8=30। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड से में रखेंगे और जो आपके कॉन्स्टेंट टर्म है उन्हें राइट साइड पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे या साइड इनकी चेंज कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, 14y=, ध्यान दीजिए ये है -8 और जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और ये जो माइनस था क्या हो गया, +8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14y=13+8 क्या मिल जाएगा, 13+8=, क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, 13+8=, क्या मिल जाएगा, 21। तो हम इसे नोट कर देंगे क्या बन जाएगा, 21। अब देखिए 14 की मल्टीप्लाई हो रही है y में, यानी इसे क्या नोट कर सकता हूं मैं, 14y=21। अब जो मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट टर्म के साथ में क्या हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होगा तो उसकी साइड चेंज करने पे कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए 14 को जब हम राइट से लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y=, क्या हो जाएगा, 21/14। अब देखिए 14 के टेबल में 21 तो आएगा नहीं, बट हाँ क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व, इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। 7 के टेबल से ये 14 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 21 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या मिल जाएगा आपका, y=3/2, यानी y=3/2। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। y की वैल्यू हमें क्या मिली है यहां से, 3/2। ठीक है, अब हम इसे आंसर को वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। तो वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के लिए हमें इक्वेशन में पुट करना होगा 14y-8=, क्या है, 13। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 14 देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3/2। तो यहां पर y की जगह हमें प्लेस करना पड़ेगा 3/2, -8=, क्या आना चाहिए आपका, 13। 2 से 14 को डिवाइड करें 7 टाइम तो क्या मिलेगा, देखिए 7 × 3 तो क्या हो जाएगा, 21। 7 × 3=21, -8=, क्या आना चाहिए, 13। अब देखिए 21 में से अगर 8 माइनस करा तो क्या मिला, 13। बिल्कुल ठीक है, 13 मिलेगा और आपको राइट साइड में भी क्या मिला है, 13। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं।